उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने देश की बढ़ती आबादी को लेकर चारों शहरों में मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर एक तरफ जहां कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कड़ा एतराज जताया है, तो वहीं बीजेपी ने टिप्पणी से दूरी बना ली है। दरअसल मेरठ में एक मंदिर का उद्घाटन करने गए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आबादी हिंदू नहीं बल्कि चार पत्नियां और 40 बच्चों वाले लोगों की वजह से बढ़ रही है। हालांकि साक्षी ने अपने भाषण में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह निशाना साफ तौर से मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है। साक्षी महाराज की इस विवादित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने मेरठ प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि बाद में साक्षी ने जनसंख्या का हवाला देते हुए अपनी सफाई में कहा कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, औरत कोई मशीन नहीं है, चार पत्नियां 40 बच्चे और 3 तलाक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष ने साक्षी के इस बयान की कड़ी आलोचना की और साथ ही उनके खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग उठाई। हालांकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि साक्षी महाराज की यह निजी राय है, ना तो बीजेपी और ना ही सरकार ऐसी किसी राय से सहमति रखती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। देखते रहिए डीबी लाइव।